बाबा रामदेव ने बोला कि 2014 में हमने एनडीए सरकार का समर्थन किया था, लेकिन अभी जो पेट्रोल डीजल के हालात हैं सरकार उस पर काबू पाए, नहीं तो 19 चुनाव में हम उनका साथ नहीं देंगे, उनके पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से बाबा रामदेव जी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग जरूर करेंगे, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करके वो देश का सहयोग करेंगे, क्योंकि देश हित में अगर कोई काम कर रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और पेट्रोल डीजल एक समस्या हो सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़ा हुआ है, उस पर भी बहुत जल्दी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें कंट्रोल करेंगे। महंगाई ऐसे ही कंट्रोल में है, पहले जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तो सब कुछ का दाम बढ़ जाता था, आज कितना भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है चीज़ें सस्ती का सस्ती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सफलता है सरकार के। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आदरणीय बाबा रामदेव जी जरूर सहयोग करेंगे, क्योंकि देश हित में जो काम कर रही है सरकार उसके खिलाफ कोई भी ऐसा जो राष्ट्रवादी विचारक हैं वो नहीं जाएंगे, वो जरूर उनके सरकार के सहयोग करेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से वो जन जन की जो एक साफ नियत लेकर के काम कर रहे हैं, और आज भ्रष्टाचार में भी कितना कमी आ गया है, अब भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी बढ़ गई है, और मुझे लगता है इस सब चीज़ों को देख करके निश्चित रूप से बाबा रामदेव जी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे, देश का सहयोग करेंगे, और देश में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से पीएम बन के आएंगे।